कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतना तंग है कि टांगे फैला नहीं सकता। अभी आंखों को खड़ा कर दे थोड़ी देर के लिए, झुक के खड़े हो जाओ, आधे घंटे झुक के खड़े रहो। आप बोलो भाई मुझे जितनी सजा देनी है दे लो, मैं नहीं खड़ा हो सकता झुक के। तसव्वुर कीजिए, मैंने वो हमने वो जिंदान नहीं, लेकिन उस तरह के एक जिंदान को हमें दिखाया गया कि इस तरह जिंदान है, इतना तहखाने में है कि सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती इसके ऊपर, इतना तंग है कि आदमी ना खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। खुराक क्या है कि वो एक ही वक्त खुराक है, और वो भी क्या खुराक देते होंगे इमाम को, यानी वो मकाम आ गया कि जहां इमाम ये फरमाते थे कि परवरदिगार तेरा शुक्र कि तूने मुझे कोई जगह दी इबादत की, वही इमाम खुदा से कह रहा है परवरदिगार मुझे खालिस कर दे इस मकाम से, क्योंकि अजियत सिर्फ बदन की नहीं थी, वो जो आखिरी निगहबान था वो इतना सख्त था कि वो गलत जुमले भी इस्तेमाल करता था जो इमाम से बर्दाश्त नहीं होते थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, सख्त है इंसान अपने अबाउजदाद अपनी जद्द मादर के लिए कोई जुमले सुन सके, सख्त है। इमाम ने कहा मौला मुझे परवरदिगार मुझे इससे खालिश कर दे। एक मौला का मानने वाला आया, उसने कहा कि मुझे मौला की ज़ियारत है, कभी इसकी चाबी नहीं है, हम नहीं दिखा सकते। कहा मुझे दिखा दो, कहा एक सुराख है जिससे हम देखते रहते हैं कैदी को, उसमें से तुम्हें दिखाते। उसने देखा तो इमाम कुछ नजर नहीं आया, वो छोटा सा कमरा कितना बड़ा होगा कि इमाम नजर नहीं आया। कहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कहा गौर से देखो, कहा एक चराग है और एक कपड़ा पड़ा हुआ है, कहा ये कपड़ा नहीं है यही इमाम है। और इतना इमाम नहीं हो चुका था, इतना इमाम कमजोर हो चुका था, आजादाराने मोहतरम इतना इमाम कमजोर हो चुका था कि इमाम नजर नहीं आ रहा। हाँ अरे तंग आ गया, ज़ालिम नहीं दे सके इमाम को, आखिरकार इमाम को जहर दे दिया गया। उसने के बाद में कुछ शियों को बुलाया, कुछ उलमाओं को बुलाया और बदन दिखाया, कहा देखो इस बदन पे कोई निशान तो नहीं है जिसकी वजह से, कहा नहीं इस पे तो कोई जरबत के निशान नहीं है, इस पे कोई किसी चीज के निशान नहीं है। कहा देखो खुद गवाह हो जाओ, इमाम तभी मौत मरा है, हमने इमाम को नहीं मारा, अपने आप को बचाना चाहते थे। आज़ादाराने मोहतरम, फिर इमाम के जनाजे को बोला रख दो जाकर, कहां पर रख दो, पुल पर रख दिया। अरे कहां थे शिया, जिदाने मोहतरम तहम्मुल कीजिए, सोचिए इमाम एक तो जिंदान में, इतने साल जिंदान में, आज वक्त का इमाम गैबत में, इतने शिया हमारे, अरे कहां है इमाम, क्यों नहीं हम ऐसा करते कि हम अपने वक्त के इमाम को बुलाएं। अरे यही इबरत है तारीख से कि इमाम को चार लोगों ने कंधों पे उठाया और कहा आजा, अरे यही शिया राफिजों का इमाम है, रख के चले गए। जब दूसरे दिन आए देखा, कहा जनाजा बहुत भारी है, ये क्या है, देखा तो इमाम के बदन पर जंजीरें हैं, संगले हैं, उसका वजन है कि जो इमाम के जनाजे को उठाया नहीं जाता। खबर फैल गई, लोगों को पता चल गया, अरे लोग फूल लेकर आए, शान से जनाजा उठाया गया, शान शौकत दी गई। हालांकि बहुत सख्तियां झेली इमाम ने, मगर हाथ जोड़कर कहूंगा मेरे मौला आपके जनाजे को उठाया तो गया, आपको तदफीन तो किया गया, आइए करबला। अरे जब आखिरी वक्त आया तो बुलाया गया, मेरी बीबी कहती है मिर्जा ये कैसी तैयारी है, ये कैसी आवाजें हैं, अरे ये तो हमारे तो लोगों को मार दिया, अब ये क्या कर रहे हैं। अरे वो घोड़े लाशों को अपने टापों से कुचलने के लिए तैयार कर रहे थे, अरे एक एक कर कर हर कोई अपने जनाजे ले गया, अरे एक लाशा रेगिस्तान में तपती हुई दस्त में पड़ा रह गया।